छत्तीसगढ़ की राजधानी और स्मार्ट सिटी रायपुर की मुख्य सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा आम नजारा है। यहां तक कि कैटल फ्री सड़क घोषित किए जाने के बाद भी सड़कों पर मवेशी ट्रैफिक के बीच देखे जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने की भी आशंका लगातार बनी रहती है। वहीं प्रशासन और नगर निगम के लगातार दावों के बाद भी राजधानी की सड़कों पर इस तरह से पशुओं का जमावड़ा राजधानी की खूबसूरती तो बिगाड़ ही रहा है, साथ ही लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। मवेशियों के सड़कों पर विचरण को नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने एक बड़ी समस्या बताते हुए इस पर लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वहीं पशुपालकों से भी मवेशियों को खुले में ना छोड़ने को लेकर आग्रह किया है, साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी कमिश्नर ने दी है। कार्रवाई करते हैं, जोन वाइज करते हैं, मेजर रोड्स पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 6 डेयरी में बंद कर चुका हूँ और ह्यूज फाइन हम लोग कराते हैं। 3 हमारे गोठान से बड़े बड़े उसमें लगभग 1,500 के आसपास पशु हम लोग शिफ्ट करा चुके हैं। ये बेसिक है लोगों का, तो लोग भी थोड़ा सा जो पशुपालक हैं और डेयरी फार्मर्स हैं उनको ओनर्स हैं उनको भी थोड़ा ये करना है कि उनको भी ये करना है कि गाय वगैरह स्पेशली मिल्किंग करने के बाद बाहर ना छोड़े। अगर ये होगा तो हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे।